हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। चले, मैं हूं आपका दोस्त मेंटर योगेश कुमार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आप अपनी तैयारी को बहुत बूस्टअप कर रहे होंगे, तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और जिनको जॉब लेनी है और जल्दी से जल्दी जॉब लेनी है और जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट सेक्टर में एक सीट अपने लिए रिजर्व करनी है, उन सभी बच्चों के लिए मैं योगेश कुमार लेकर आया हूँ रैंक अचीवर बैच। जो बैच हम यहाँ कंडक्ट करा रहे हैं, जो बैच हम यहाँ कंडक्ट करा रहे हैं, किसके लिए? एसएससी जीडी के लिए। और एसएससी जीडी 2023 और साथ के साथ ये टारगेट है किसके लिए? 2024 के लिए। तो दोस्तों, 2023 का एग्जाम आप देना चाहते हैं जीडी का, 2024 का एग्जाम आप देना चाहते हैं जीडी का, तो कहीं मत भटकिए, बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर और यहां आकर मिलेगा बेहतर से बेहतर कंसेप्ट, बेहतर से बेहतर चीजें और बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक, जिसमें आप देखेंगे कि क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन को करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, इन सारी चीजों की। और इन्हीं सारी चीजों पर बेस बनाकर रीजनिंग का हम डे बाय डे लेकर आ रहे हैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, और जिसमें हम करा रहे हैं आज एनालॉजी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सादृश्यता हिंदी में, और इसको एक नाम से और जाना जाता है सिमिलरिटीज, जिसको हिंदी में बोला जाता है समानताएं। और इसकी ये क्लास होने वाली है क्लास 4, तो इसका मतलब है कि क्लास 1, 2, 3 एनालॉजी की ऑलरेडी आपकी आ चुकी हैं। वो जो स्टूडेंट जिन्होंने एनालॉजी की ये क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो इन वीडियो को देखकर आए, जिससे कि आप उनके कंसेप्ट को समझ सके। जैसे कि एनालॉजी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या तरीका होता है, कैसे कैसे हमें चलना है, हम इन सबकी बातें करेंगे, ठीक। और उन सबकी बातें हमने पहले भी वीडियो में कर रखी, तो चलिए बढ़ते हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है आपको प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आपको मिलेगी आपके YouTube चैनल, आपके सबसे सफलतम YouTube चैनल स्कॉलर स्टडी सेंटर पर, और वहां से आप इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि क्या कंसेप्ट है और आज हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर हम देखें कि यहां एनालॉजी, तो एनालॉजी दोस्तों हम 4 तरीके से पढ़ते हैं। पहला जो तरीका होता है जिसको हम देखते हैं, वो होता है आपका जो बेस्ड अपॉन नंबर होता है। बेस्ड ऑन नंबर मतलब अगर हम कहें कि संख्या के आधारित जो चलने वाली एनालॉजी होती है, संख्या के आधारित, और ये हम पढ़ते हैं 2 तरीके से, जो हम पढ़ चुके हैं। और 2 तरीके से हमने पढ़ी, एक पढ़ी हमने जो रेशो और प्रोपोर्शन के बेसिस पर चलने वाली एनालॉजी होती है नंबर बेस्ड, और दूसरा हमने पढ़ी थी यहां जो आपकी सेट के फॉर्म में होती है, दैट मींस समुच्चय के फॉर्म में होती है। समुच्चय के फॉर्म में दूसरा आता है जो बेस्ड ऑन होता है अल्फाबेट, जो हम पढ़ते हैं अक्षरों के आधारित। और ये भी हम पढ़ चुके हैं और इसकी भी वीडियो पड़ी हुई है, आप इसको देख सकते हैं और इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तीसरा आता है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो होता है बेस्ड ऑन फिगर मतलब आकृति के आधारित, के आधारित। अब देखिए, जो आकृति के आधारित जो एनालॉजी होती है उसको हम बेसिकली बोलते हैं नॉन वर्बल एनालॉजी। क्या बोलते हैं उसको? नॉन वर्बल एनालॉजी, जिसको बोला जाता है अभाषिक सादृश्यता।
और ये आपके तीन तरीके से यहाँ हमारी जो तीसरे टाइप की आने वाली है, जो बेसिकली है चार तरीके की, क्योंकि नंबर में जो हम पढ़ते हैं वो कितने तरीके से, दो तरीके से, और जो चौथा आपका वो होता है बेस्ड ऑन जीके, मतलब सामान्य अध्ययन के आधारित जो एनालॉगी होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहां से और इसको देखते हैं कि इसका पहले बेसिक कंसेप्ट क्या है। देखिए एनालॉगी का इसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, हम उसकी अगर बात करें तो देखो दोस्तों, हमें यहां आपके लगभग चार फिगर क्वेश्चन में दिए जाते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और यहां से चार ही दिए जाते हैं हमें आंसर। क्वेश्चन फिगर दिए जाते हैं चार और क्वेश्चन आंसर फिगर दिए जाते हैं चार। ये है हमारे कौन से क्वेश्चन फिगर, मतलब प्रश्न, और ये है आपके कौन से आंसर फिगर, दैट मींस उत्तर वाले फिगर। अब देखिए यहां से एनालॉजी जो चलती है, एनालॉजी का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसमें होता है रेशो प्रोपोर्शन का। या तो इसमें रेशो प्रोपोर्शन दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाता है तो मान लीजिए जैसे कि सपोज करिए यहां लिखा हुआ है ए बी सी डी एंड ई, और यहां लिखा हुआ है ए बी सी डी एंड ई, और यहां लिखा हुआ है एम एन ओ P, Q, और यहां लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। या तो हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिखाई देगा या इन्हीं क्वेश्चनों में क्या लग रहा होगा रेशो प्रोपोर्शन, समझ में आया कि नहीं, अलग अलग फिगर दे रखे होंगे और इसके हिसाब से यहां ऑप्शन बने होंगे जैसे M, N, O, P, Q, M, N, P, Q, O, M, N, O, P, Q और M, N, O, P और Q, ये हमारे चार ऑप्शन हो गए। और यहां से हमें देखकर कि इन दोनों में क्या लॉजिक है, फर्स्ट और फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर में आपस में क्या लॉजिक है, तो उसको देखकर हमें थर्ड से क्या बनाना है, फोर्थ बनाना है। या अगर हमें यहां फिगर दे रखे हैं कितने, 5 फिगर दे रखे हैं और छठवें में क्वेश्चन मार्क है, तो वो भी क्वेश्चन किसका होगा, एनालॉगी का। लेकिन अगर 4 फिगर दे रखे हैं और पांचवें में क्वेश्चन मार्क है, तो वो क्वेश्चन बनता है किसका, नॉन वर्बल सीरीज का। तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन को पढ़ते समय कि हम इसके दो दो पार्ट कट कर लेते हैं, इस तरीके से अगर डिफरेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर एक ही पैटर्न करना है तो फिर हम दो दो पार्ट कट नहीं करते। अब देखिए यहां से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं एलिमेंट की मूविंग, कि जैसे A जो है वो B के स्थान पर आया, इस वाले सेकंड फिगर को देखकर फर्स्ट में हम लॉजिक लगाते हैं, पैटर्न लगाते हैं कि A आया किसके स्थान पर, B के स्थान पर, B किसके स्थान पर गया, C के स्थान पर, C किसके स्थान पर, D के स्थान पर, D E के स्थान पर, और E किसके स्थान पर, A के स्थान पर, और इससे पैटर्न लगने के बाद हमारा ये लॉजिक या ये फिगर हमारा बनकर आ रहा है। तो यही पैटर्न हम कहां लगाएंगे, सेम टू सेम इसमें, कि M गया किसके स्थान पर, N के स्थान पर, तो M N के स्थान पर आया तो M आ गया यहां, N गया O के स्थान पर ऊपर आ जाएगा N, O आएगा P के स्थान पर यहां आ गया P, P गया Q के स्थान पर यहां आ गया, वेट, देखिए यहां क्या आएगा, O आएगा और यहां क्या आएगा P, और यहां क्या आ जाएगा आपका Q, और ये वाला जो फिगर होगा वही आंसर होगा, वो हमें कहां दिखाई दे रहा है, Q N M P O, और जो A B C ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, बस एक इतना सा कंसेप्ट होता है जब हम एनालॉगी फिगर के बेसिस पर करते हैं। चलिए इसको जरा नोट करिए और मैं बढ़ता हूं जो क्वेश्चन है और उन पर जो क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, नोट करिए जरा इसको। चलो दोस्तों नोट कर चुके होंगे, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पर। देखिए हम 30 क्वेश्चन तक कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं 31 पर। कह रहा है क्वेश्चन कि चूज द रिलेटेड फिगर इन द आंसर फिगर, मतलब क्वेश्चन का उत्तर आकृति में से संबंधित आकृति को चुनिए। ठीक, अब देखिए यहां से हमें एक फिगर ये दे रखा है, दूसरा फिगर हमें ये दे रखा है, तीसरा ये है और यहां क्वेश्चन मार्क है। अब या तो इसको आप बॉक्स में बंद कर लो,
इस तरीके से, या इस फिगर को एक ही बॉक्स में बंद कर दो, और या क्या कर दो कि आप इसको अलग अलग रख दो, जैसे आप रखना चाहे वैसे रख सकते हैं, जैसे एग्जामिनर रखना चाहे वैसे रख सकता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यहां से हमें करना क्या है। देखिए दोस्तों, यहां हमें दिखाई दे रहा है स्टार, यहां दिखाई दे रहा है हैज, यहां पैरेलल लाइन, और यहां क्या दिखाई दे रहा है आपका सर्कल। अब देखिए यहां से किया क्या गया है, ये जो आपका पैरेलल लाइन है वो आपकी कहां पहुंची, एक स्टेप आगे। कितनी पहुंची, एक स्टेप आगे। क्या क्लॉकवाइज मूव की है, एंटी क्लॉकवाइज? तो ये कैसे मूव की है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव की है, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान दो, कैसे मूव की है, ये एंटी क्लॉकवाइज, और कितने स्टेप गई है, वन स्टेप। उसके बाद जो आपका सर्कल है वो भी कितने स्टेप, वन स्टेप, कितना, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में एक स्टेप चल रहा है। उसके बाद स्टार भी कितना गया है, एक स्टेप गया है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। और हैश भी कितना गया है, एक स्टेप, कितना, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में। मतलब सभी लोग वन स्टेप टर्न हो रहे हैं। कितने टर्न हो रहे हैं, वन स्टेप। कितने टर्न हो रहे हैं, वन स्टेप, मतलब एक चरण जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। ठीक है, अब यहां से आगे अगर हम बढ़े तो कैसे करेंगे, कि सेम लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। तो ये जो हमारा पैरेलल लाइन है ये कहां जाएगा, वन स्टेप यहां जाएगा। उसके बाद फिर ये कहां जाएगा, ये वन स्टेप इधर जाएगा। फिर ये कहां जाएगा, ये वन स्टेप इधर जाएगा। फिर ये कहां जाएगा, वन स्टेप इधर जाएगा। तो अगर देखें एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे क्या होगा, स्टार किसमें दे रखा है, केवल इस वाले ऑप्शन में। ये क्या हो गया, आंसर सही। दैट्स इट, कहानी खत्म, क्लियर हुआ और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया केवल एक ही बार देखने से। अब देखिए हैज हमारा यहां आएगा सर्कल की पोजीशन पर, सर्कल ऊपर और पैरेलल लाइन यहां। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा कि जैसे कि ये हमारा बना हुआ है, यहां आपकी पैरेलल लाइन है, यहां आपकी सिंगल लाइन है, तो यहां आ जाएगी आपकी क्या, पैरेलल लाइन। ठीक, यहां आ जाएगा आपका क्या कि स्टार आ जाएगा, यहां क्या आ जाएगा आपका हैश आ जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा वो। ठीक है, और ये जो जहां ऑप्शन होगा वही ऑप्शन होगा। क्लियर है दोस्तों, और ऐसा क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए अगले क्वेश्चन को देखें। तो अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। देखिए हमें यहां तीन तरीके के एरो दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों में हमें पैटर्न बनाना और इससे हमें आंसर निकालना है। अब तीन तरीके के एरो हैं, तो देखिए क्या किया गया है कि इस वाले एरो को 180 डिग्री पर क्या कर दिया गया है, रोटेट कर दिया गया है, टर्न कर दिया गया है। कितने पर, 180 डिग्री पर। कितने पर, 180 डिग्री पर। इस वाले एरो को भी 180 डिग्री रोटेट कर दिया गया, इस वाले एरो को भी क्या कर दिया गया, 180 डिग्री रोटेट कर दिया। मतलब 180 अंश के कोण पर क्या कर दिया गया है, अपोजिट कर दिया गया, विपरीत कर दिया गया, मतलब विपरीत कर दिया गया है फिगर में। तो सेम है, यहां क्या होगा कि ये वाला पार्ट चला जाएगा कहां, ऊपर। तो ये जो एरो ऊपर किस किस में, तो देखिए पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरे ऑप्शन में दो एरो दे रखे हैं, बिल्कुल होंगे ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा बच गया, डायरेक्ट देखने की जरूरत नहीं है कि क्या रोटेट हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दैट मीन्स आंसर क्या हो गया आपका, डी वाला पार्ट। क्लियर हो गया दोस्तों, चले बढ़ते हैं। एक मिनट, नहीं ये चारों के चारों ऑप्शन गलत है। होगा क्या कि ये जो एरो है ये वाला, ये कहां आएगा, नीचे की साइड में आएगा। ठीक, कहां आएगा, ये नीचे की साइड में। इसको सही कर लीजिएगा दोस्तों, और अब ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर दोस्तों, ये जो एरो इस तरीके से बनेगा, नीचे बना लीजिएगा इसको, और ये इस तरीके से जाएगा, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, और ये हमारा पैटर्न बनेगा, और ये आंसर हमारा क्या होगा, सही होगा। क्लियर दोस्तों, चले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसको नोट करिए जरा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि हमें यहां क्या दे रखी है, टू पैरेलल लाइन दे रखी है जो कि दोनों तरफ से बंद है, और उसको क्या कर दिया गया, उसको टर्न कर दिया गया है। अभी तक ये मिड ऑफ साइड थी, अब वो कुछ कहां ले गया है, कॉर्नर की तरफ।
अब अगर ये कॉर्नर है तो ये कैसे मूव कर रहा है, या तो क्लॉकवाइज मूव करें या एंटी क्लॉकवाइज, बात एक ही है। तो देखिए इसको हम कैसे मूव करा दें, अगर मूव करा दें तो ये हमारी क्या बन जाएगी, एक सीधी लाइन बन जाएगी, और सीधी लाइन कहां दे रखी है, केवल ऑप्शन सी में। ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि सेम टू सेम नहीं होगा, यहां दो लाइन दे नहीं रखी, यहां भी दो लाइन नहीं दे रखी, केवल एक लाइन है, और ऑप्शन कौन सा हो गया, सी। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और आसानी से क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं। चले बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पहले में आपका एक बॉक्स है ठीक, और एक ट्रायंगल है। दूसरे में क्या कर दिया, ट्रायंगल के अंदर एक बॉक्स ले आया वो, ठीक है, क्या हो गया, ट्रायंगल के अंदर एक बॉक्स ले आया वो। तीसरे में आपका सर्किल है और सर्किल के अंदर क्या है, बॉक्स। तो इसका मतलब अब बॉक्स को भी बाहर निकाल देगा, सर्किल को उसके अंदर कर देगा। आंसर कौन सा हो गया, डी। देखिए जैसे कि इसके अंदर क्या है, एक ट्रायंगल आ गया, क्या आ गया, एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को बाहर निकाल दिया, बॉक्स को कहां रख दिया, अंदर। यहां क्या है, सर्किल के अंदर क्या है, बॉक्स। तो अब ऑप्शन क्या बनेगा कि बॉक्स के अंदर क्या आ जाएगा आपका, सर्किल, मतलब स्क्वायर के अंदर क्या आ जाएगा, सर्किल। और वो ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहा है, डी वाले में, और यही क्या होगा अपना आंसर सही होगा। क्लियर दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपकी तीन तरीके की चीजें दे रखी हैं, दो, एक सर्किल है, उसके ऊपर एक लाइन, उस पर सर्किल बना हुआ है, यहां से ये एरो है और यहां से क्या है, ये एरो। जब इसको चेंज कर रहा है तो क्या कर रहा है कि सर्किल को किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है, किसमें, बॉक्स में। तो पहली चीज, ये भी सर्किल किसमें चेंज होगा, बॉक्स में। कहां कहां चेंज हो रहा है, तो देखिए ए ऑप्शन तो पहले ही खत्म हो गया, और कौन सा ऑप्शन खत्म हो गया, ऑप्शन खत्म हो गया सी। कौन सा ऑप्शन खत्म हो गया, सी। उसके बाद अब आते हैं दो तरीके के, एक तो बी और दूसरा डी। अब दो बॉक्स हैं, अब यहां क्या दे रखा है कि देखिए ये सिर्फ सर्किल है, जब इसको चेंज किया गया तो सर्किल किसमें चेंज हुआ, बॉक्स में, और यहां से क्या कर दिया गया कि जो आपकी ऊपर तो क्या आ गया, एरो, और बाकी ये सीधे सीधे क्या हो गए, आपके सर्किल वाले पार्ट। Yes or no? तो सेम एज क्या करेंगे कि नीचे तो सीधे सीधे क्या हो जाएंगे आपके बॉक्स इस तरीके से, और ऊपर क्या चला जाएगा आपका सर्किल वाला पार्ट। यहां से अगर देखेंगे तो ये किसमें अपन देख रहे हैं, तो ये देख रहे हैं हम किसमें, डी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है सबको, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें हम, तो 36 जो क्वेश्चन नंबर है क्या है, इसको देखो, जैसे कि एक सर्किल, अगर हम देखें कि सर्किल के अंदर कितने सर्किल कर दिए गए, तीन सर्किल कर दिए गए, और अंदर वाले सर्किल को छोड़कर पहले एक लाइन ऐसी और फिर लाइन ऐसी है, सर्किल के अंदर कितने सर्किल बनाए गए, तीन सर्किल, ठीक है, एक लाइन ऐसी की गई और फिर लाइन कैसे की गई, बाहर वाली इस तरीके से। तो बॉक्स के अंदर कितने बॉक्स होंगे आपके, तीन बॉक्स। ये लाइन इस तरीके से होगी, ये लाइन इस तरीके होगी, कहां दिखाई दे रहा है, देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है केवल पहले वाले में, ये नहीं होगा, देखिए अंदर वाला ऐसे नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। यहां केवल एक ही लाइन दे रखी है, गलत है। यहां क्या दे रखा है, ये लाइन पूरी दे रखी है, जबकि पूरी नहीं होगी, आधी होगी। तो आधी कहां होगी, यहां तक, और ये ऊपर वाली आधी होगी। तो दैट मीन्स क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन फिगर है आपका कि यहां आपका एक सर्कल दे रखा है, उसके ऊपर एरो कितने दे रखे हैं, तीन। अब देखिए यहां क्या कर दिया गया, एक एरो को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। यहां क्या दे रखा है, एक डॉट मतलब डार्क सर्कल दे रखा है, उसके ऊपर कितने एरो दे रखे हैं, तीन। तो बचेंगे कितने एरो, दो। आंसर खत्म। क्लियर, समझ में आ गया। मुश्किल से मुश्किल मात्र 5 से 6 सेकंड में या 10 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। चले बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए एक ट्रायंगल और ट्रायंगल के अंदर क्या, ट्रायंगल्स में क्या बना दिया गया, एक उल्टा त्रिभुज बना दिया गया, मतलब उस जो है उसके रिवर्स में क्या कर दिया गया, एक उल्टा त्रिभुज बना दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब यहां हमें क्या दे रखा है, ये चीज दे रखी है। अब इसके रिवर्स में हमारे कितने आएंगे, दो आएंगे, और दो आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, देखिए ये है, ठीक है। तो आना तो आपका किस तरीके से चाहिए, इस तरीके से। क्या ऑप्शन में है, नहीं है, और ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। क्योंकि हम इसको अगर ऐसे कहें तो ऐसे भी ले सकते हैं इसको,
ठीक है, क्योंकि इसकी कोई सिमिट्री नहीं है कि आप सिमिट्री इसको केसर लेके चलेंगे, आप ऐसे भी इसको मान सकते हैं कि ये एक त्रिभुज है, क्लियर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नोट करिए और मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। देखो क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि देखिए एक त्रिभुज है और यहां ये लाइन निकली हुई है, और त्रिभुज को किस में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर में, और ये लाइन क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, ठीक है। अब देखिए यहां क्या है आपके, अगेन त्रिभुज, ठीक, एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, हर तरफ से निकली हुई है। तो अगर इधर एक तरफ से यहां, एक तरफ से यहां, तीनों साइड से, तो अब कितना होगा, तीनों साइड से या चारों साइड से, चारों साइड से होंगे, तो स्क्वायर, और स्क्वायर का क्या होगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी, ऑप्शन कौन सा हो गया, बी, कहानी खत्म, क्लियर है दोस्तों, नहीं बी नहीं, ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक, नीचे नहीं होगा, ऊपर की साइड में होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला, क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चले बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए अगर यहां से हम देखें तो इसमें कितने आपके डॉट दिखाई दे रही हैं, तो डॉट है एक दो तीन चार पांच। देखिए एक हमने षटभुज बनाया हेक्सागोनल, और उसमें वन टू थ्री फोर और फाइव, कितने बनाए, फाइव, और उसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, कितना बढ़ा दिया हमने, चार बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, चार, कितना बढ़ाया, चार बढ़ा दिया, ठीक है। तो छह से एक, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस, कितना बढ़ाया हमने, प्लस फोर कर दिया। अब देखिए यहां कितना दे रखा है, तीन, और तीन से अगर हम बढ़ाए तो यहां से कोई भी हमारा ऑप्शन बन नहीं रहा, ये कि क्या होगा आपका, गलत होंगे ऑप्शन। अब यहां से क्या होगा, तो ऑप्शन अगर बना है तो तीन से हम क्या कर देंगे, सात कर देंगे, और जब हम सात कर देंगे, एक दो तीन चार पांच छह और सात, हमने सात बनाए, और सात के बाद यहां देखिए कितनी डॉट है, पांच, पांच से कितनी डॉट हुई, एक दो तीन चार पांच छह सात, तो पांच से कितनी बढ़ी, दो, और यहां दो है तो दो से कितनी बढ़ेंगी, चार, और यहां बीच में कितनी आ जाएंगी आपकी, चार डॉट आ जाएंगी। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया, कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। जरा नोट करिए इसको और मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। चले नोट कर चुके होंगे दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, बहुत छोटा सेशन था क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन पिछला जो सीजीएल का एग्जाम हुआ मेंस का, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं लगभग इसी पैटर्न पर मेंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं आगे और इस तरीके से क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊंगा। इसके बाद अगर हम बात करें एनालॉगी पार्ट की, तो एनालॉगी का एक पार्ट हमारे यहां बचता है, और हम देखेंगे उस पार्ट को, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे आपका एक न्यू चैप्टर। और अब तक जो हमारे चैप्टर यहां हो चुके हैं, जरा एक बार उसको हम देखें कि हम कितने टॉपिक यहां कर चुके हैं। जो बच्चे आज नए हैं इस क्लास में, वो इन वीडियोज को देख ले, जिसमें सबसे पहले हमने कराया था कौन सा टॉपिक, हमने कराया था यहां डैश पार्ट को, मतलब पासा पढ़ाया था। उसके बाद जो टॉपिक आया था वो कौन सा आया था, वो आया था आपका कौन सा, कैलेंडर, ठीक, मतलब कैलेंडर को हमने यहां पर देखा था। उसके बाद जो पढ़ाया गया था वो था आपका क्लॉक टॉपिक, मतलब घड़ी हम पढ़ चुके हैं यहां। उसके बाद हमने पढ़ा था यहां फिगर काउंटिंग, That means आकृतियों की गणना। और एक जो टॉपिक हमने पढ़ा था यहां उसके बाद, तो फिगर काउंटिंग के बाद हमने लॉजिकल वेन डायग्राम,
लॉजिकल वेन डायग्राम हमने पढ़ा, मतलब तार्किक वेन आरेख बोला जाता है इसको हिंदी में, तार्किक वेन आरेख, ठीक। उसके बाद जो हमने टॉपिक यहां देखा है वो टॉपिक है आपका कौन सा, एनालॉगी या सिमिलरिटीज, और एक टॉपिक हम पढ़ चुके हैं कौन सा, ब्लड रिलेशन, दैट मीन्स रक्त संबंध, और एक टॉपिक पढ़ चुके हैं हम कौन सा, ऑर्डर रैंकिंग, ठीक। लगभग इतने टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ टॉपिक अब तक हम पढ़ चुके हैं अपने इस रैंक अचीवर बैच में, और इसकी वीडियो सारी की सारी आपके जो इसमें रीजनिंग का जो आपका जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाइए तो उसमें आपको रीजनिंग की क्या मिलेंगी, रीजनिंग की मिलेगी आपको प्लेलिस्ट जो किसके लिए है, जीडी के लिए, और वहां आप ओपन करेंगे तो ये आपके टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको सारे के सारे जो चैप्टर हैं वहां देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए आप उनको देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करिए, ठीक। और मेरी आशा यही है कि जब जीडी का एग्जाम हो तो आपको रीजनिंग में जो क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम ना हो, और इसी उम्मीद के साथ हम लेकर चल रहे हैं आपके लिए जो रैंक अचीवर बैच है। तो आप बने रहिए स्कॉलर स्टडी सेंटर पर, और मैं योगेश कुमार अब आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा एक अगली वीडियो में और देखेंगे कि अगली वीडियो हमें क्या पढ़ना है। तब तक के लिए जय हिंद, सब्बा खैर, गुड नाइट, थैंक यू।